हेलो गाइस, मेरा नाम राजीव है। आप सभी को मेरा चैनल टेक बाय राजीव पे स्वागत है। मैं इस चैनल पे टेक रिलेटेड वीडियोस लेके आता हूँ। आज हम इस वाले वीडियो पे Realme Narzo 50 स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड देखेंगे और स्मार्टफोन में 13,000 के प्राइस पॉइंट पे कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है इन रियल लाइफ। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो ये रहा हमारे पास Realme Narzo 50 स्मार्टफोन की बॉक्स। इस स्मार्टफोन के बॉक्स के पीछे की तरह पीछे स्मार्टफोन के कुछ की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। अब जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये रहा हमारे पास स्मार्टफोन, इसको कुछ देर के लिए साइड पर रखते हैं। इसके नीचे हमें एक पावर अडैप्टर देखने को मिलता है जो 33 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है और इसी के साथ ही एक USB 2 टाइप सी हमें चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। अब इस सबको रखते हैं साइड पे एंड यहाँ पर इस बुकलेट के अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलती है। एक ट्रांसपेरेंट टीपी केस देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा अच्छा क्वालिटी का लग रहा है एंड इसी के साथ ही सिम इजेक्टर पिन भी हमें देखने को मिलती है। इसको आप साइड पर रखते हैं, कुछ देर बाद हम इसे लगा के भी देखेंगे कि कितना ज्यादा अच्छे से फिट होता है। तो अब जल्दी से इस स्मार्टफोन को अनरैप करते हैं, देखते हैं इसका फर्स्ट लुक हमें कैसा देखने को मिलता है। तो फर्स्ट लुक में बहुत ही ज्यादा प्यारा देखने को मिल रहा है, ग्लॉसी बैक फिनिश के साथ आ रहा है। तो एक बार स्मार्टफोन के बैक कवर को भी हम देख लेते हैं कितना ज्यादा अच्छे से स्मार्टफोन में फिट होता है। तो काफी ज्यादा अच्छे से स्मार्टफोन में फिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एच टू एच हमें एक कवर देखने को मिल जाता है। सो काफी अच्छे प्रोटेक्टेड रहेगा इस बैक कवर के साथ ये वाला स्मार्टफोन। सो अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के फॉर्म फैक्टर की एंड इस स्मार्टफोन के डिजाइन की। सो हमें काफी ज्यादा स्लिक देखने को मिलता है लेकिन वेट के मामले में थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिलता है, लेकिन इन हैंड फीलिंग में हमें उतना मालूम नहीं चलता कि ये बहुत ही ज्यादा हेवी है। इसका वेट कुछ हमें 195 ग्राम के करीब देखने को मिलता है। 8.5 एमएम थिकनेस पे वाला स्मार्टफोन है। पीछे की तरफ हमें पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है जहाँ पर ग्लॉसी फिनिश दिया गया है एंड इसके कारण स्मार्टफोन में बैक की साइड हमें बहुत ही ज्यादा फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाती है। सो बैक कवर के साथ अगर आप इस वाले स्मार्टफोन यूज करेंगे तो वही बेहतर होगा एंड ये वाला स्मार्टफोन में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। ऊपर की साइड हमें पूरा क्लीन देखने को मिलता है, सेकेंडरी कोई माइक दिया गया नहीं है। इसी के साथ लेफ्ट हैंड साइड में हमें सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन। सो एक बार देख लेते हैं इसमें हमें डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है कि नहीं। तो इसमें हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट ही देखने को मिलते हैं जो एक काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है एंड बॉटम की साइड हमें 3.5 एमएम हेडफोन जैक देखने को मिलता है, माइक्रोफोन देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलती है एंड इसी के पास हमें स्पीकर ग्रिल्स भी देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में हमें सिंगल स्पीकर ही देखने को मिलता है, कोई डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को नहीं मिलता है एंड राइट साइड में हमें पावर बटन देखने को मिलता है जिसके अंदर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है जो काफी तेजी से काम करते हैं। सो ओवरऑल इस स्मार्टफोन का डिजाइन एंड ओवरव्यू हमें काफी ज्यादा इंप्रेसिव भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करते हैं, इसमें हमें 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जहां पर 120 हर्ट्ज की हमें रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलती है जिसकी मदद से काफी ज्यादा स्मूथ इसकी डिस्प्ले वर्क करती है जो यूसेज में काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड इसी के लेफ्ट कॉर्नर में हमें एक सिंगल पंचोल सेल्फी कैम भी देखने को मिलती है एंड ये पंचोल हमें उतना ज्यादा बड़ा भी नहीं देखने को मिलता है, नेग्लिजिबली हमें देखने को मिल जाती है एंड इसी के साथ ही वाला स्मार्टफोन 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है जो एक बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में हमें बहुत सारे स्मार्टफोन में ब्राइटनेस के मामले में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है एंड रियलमी के भी बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में हमें ब्राइटनेस उतना ज्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलता, लेकिन इस वाले स्मार्टफोन में हमें काफी ज्यादा अच्छा ब्राइटनेस देखने को मिलता है। नए वाला डिस्प्ले ओवरऑल काफी ज्यादा कलरफुल भी देखने को मिलता है एक एलसीडी पैनल होने के बावजूद। अब दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्मार्टफोन हमें मीडियाटेक के हीलियो G96 वाले प्रोसेसर के साथ देखने को मिलता है जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। यह हमें काफी ज्यादा केपेबल एंड गेमिंग के मामले में भी ओवरऑल अच्छा ही देखने को मिल जाती है। पर जिस स्मार्टफोन में मीडियम सेटिंग पे काफी ज्यादा अच्छा स्मूथली खेलने को मिल जाता है जो और एक अच्छी बात हो जाती है। अब कैमरा की बात करो तो पीछे की तरफ इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आता है जहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, एक 2 मेगापिक्सल का हमें मैक्रो लेंस मिलता है एंड और एक 2 मेगापिक्सल का हमें एक बोके कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में हमें फ्रंट के साइड एक
16 मेगापिक्सल का पंच और सेल्फी कैम देखने को मिलता है, जिससे काफी ज्यादा अच्छे फोटोज भी हमें देखने को मिल जाती है। एंड दोनों ही रियर एंड फ्रंट साइड हमें वीडियो के मामले में 1080p एट 30fps हाईएस्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है। अब बैटरी की बात करो तो स्मार्टफोन में हमें 5000 एमएएच बैटरी देखने को मिलती है, जो काफी ज्यादा मैसिव होता है। एंड इसके साथ ही 33 वाट तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जो एक और अच्छी बात हो जाती है। तो एक मैसिव बैटरी विद फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, जो एक काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके प्राइस के हिसाब से। स्मार्टफोन में हमें मल्टीमीडिया की एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें हमें काफी ज्यादा अच्छा ओवरऑल वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। डिस्प्ले के मामले में ओवरऑल बहुत ही ज्यादा ब्राइट एंड कलरफुल देखने को मिलता है, एक IPS डिस्प्ले होने के बावजूद भी। और व्यू एंगल के मामले में भी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ऑडियो के मामले में भी ओवरऑल बहुत ही ज्यादा लाउड एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड हमें इसमें देखने को मिलता है। एंड एक थम्पी बेस भी देखने को मिलता है इस प्राइस पॉइंट पे, जो हमें किसी भी और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। सो इस मामले में भी अच्छे एक्सपीरियंस हमें इस स्मार्टफोन से मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर की। सो सॉफ्टवेयर के मामले में हमें इस स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 ही देखने को मिलती है, एंड्रॉइड 12 हमें इसमें देखने को नहीं मिलता, जो एक हमें डाउनग्रेड ही देखने को मिलती है, क्योंकि अब तो एंड्रॉइड 12 आ चुका है। सो रियलमी को जरूर से एंड्रॉइड 12 दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसमें रियलमी यूआई 2.0 देखने को मिलता है, जो काफी स्मूथली काम करता है। कोई भी हम इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर में लैग या फिर कोई जिटर इश्यू नहीं होता, एंड काफी ज्यादा स्मूथली हमें हर एक ट्रांजिशन भी इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। सो एक काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है, एंड काफी ज्यादा सिंपल हमें देखने को मिल जाती है रियलमी यूआई, उतना ज्यादा कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इस स्मार्टफोन में हमें प्री इंस्टॉल काफी सारे थर्ड पार्टी ऐप देखने को मिल जाती है, जिसको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकेंगे। फिर भी अगर ये थर्ड पार्टी ऐप देना बंद कर देते तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है, काफी ज्यादा हमें क्लीन एंड स्टॉक जैसा फील आ जाता है। अब रैम एंड स्टोरेज की बात करते हैं, स्मार्टफोन में हमें 64GB स्टोरेज के अंदर 46GB तक का फ्री स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। तो रैम के मामले में इस स्मार्टफोन में 4GB रैम देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा सफिशियंट है इस स्मार्टफोन के हिसाब से, एंड काफी ज्यादा अच्छी से स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के मामले में भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, डुअल 4G के साथ आता है, इसमें हमें डुअल 4G स्टैंड बाय का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एंड वाईफाई भी काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वाला स्मार्टफोन 13,000 रुपीज के हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें देखने को मिलती है, इसके फीचर्स हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाती है। सो अगर आप 13,000 के अंदर कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो एंड यही स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप इस स्मार्टफोन को ले या ना ले इस सोच में पड़े हैं, सो आप बिना सोचे इस वाले स्मार्टफोन को ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल एक बेस्ट वैल्यू हमें 13,000 के अंदर इस वाले स्मार्टफोन से मिल रहा है। अगर आपको 4G स्मार्टफोन चाहिए तो ये वाला स्मार्टफोन 13,000 के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला वीडियो भी खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, और अगर आपने इस वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इसी के साथ इस वाले चैनल पे एक गिवअवे भी चल रहा है डीजो वॉच डी का, सो आप इस वाले गिवअवे पे जरूर से पार्टिसिपेट कर देना, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन पे एंड आपको आई बटन पे मिल जाएगा, सो वहां से जाके इस वाले वीडियो को देख सकते हैं एंड वहां से आप इस वाले गिवअवे पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वीडियो को जरूर से देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।